एंथोनी, जेकिन और अनुराग तीन समर्पित स्टाफ नर्स और करीबी दोस्त थे जिनका यीशु में दृढ़ विश्वास था। हालांकि उनके व्यस्त कार्यक्रम और अस्पताल में लंबे घंटों के कारण उनके आध्यात्मिक जीवन के लिए समय निकालना चुनौतीपूर्ण हो गया। अपनी थकावट के बावजूद वे मसीह के साथ अपने रिश्ते को गहरा करने के लिए उत्सुक थे, लेकिन अपने व्यस्त कर्तव्यों के बीच उन्हें प्राथमिकता देने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उन्हें अपने प्रार्थना जीवन और बाइबल अध्ययन की उपेक्षा के लिए दोषी महसूस हुआ। एक दिन जब वे एक दुर्लभ अवकाश के दौरान अस्पताल के कैफेटेरिया में बैठे थे, तो उन्होंने अपने संघर्षों के बारे में खुलकर बात की। एंथोनी ने प्रार्थना करने में बहुत थकावट महसूस करने के कारण अपनी हताशा व्यक्त की, जेकिन ने अपनी भक्ति की उपेक्षा करने पर अपना अपराध साझा किया, और अनुराग ने चर्च सेवाओं के गायब होने के बारे में अपना दुख व्यक्त किया। उस पल में उन्हें एहसास हुआ कि वे अपने आध्यात्मिक सूखे में अकेले नहीं थे। उन्होंने अपने अराजक कार्यक्रमों के बीच भी अपने विश्वास को पुनः प्राप्त करने का सामूहिक निर्णय लिया। उन्होंने छोटी शुरुआत की, प्रार्थना अनुरोधों और बाइबल की आयतों को पाठ संदेशों के माध्यम से साझा किया, और जल्द ही अपनी पाली से पहले या बाद में प्रार्थना के लिए मिलना शुरू कर दिया। उन्हें मसीह के वचन में सांत्वना और एक दूसरे की संगति में प्रोत्साहन मिला। जैसे जैसे उन्होंने अपने विश्वास को प्राथमिकता देना जारी रखा, नर्सों के रूप में अपने कठिन कर्तव्यों के बीच भी उन्हें उद्देश्य और ताकत की एक नई भावना का अनुभव हुआ। उन्होंने सीखा कि उनका व्यस्त कार्यक्रम उन्हें उनकी आध्यात्मिक यात्रा से वंचित नहीं कर सकता, और उनकी अव्यवस्था के बीच भी ईसा मसीह उनसे मिल सकते हैं। अपनी यात्रा के माध्यम से एंथोनी, जेकिन और अनुराग ने पाया कि विश्वास, दोस्ती और यीशु के लिए समय निकालने की इच्छा के साथ सबसे चुनौतीपूर्ण मौसम भी आध्यात्मिक विकास और उसके साथ गहरे रिश्ते के अवसर बन सकते हैं।